वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तुरंत कैसे बनाई जाए। सबसे पहले हम कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, मोबाइल से खींचे या कोई भी कैमरे से, उसको हम सिस्टम पर रख लेंगे। इसके बाद उस फ़ोटो को हम फोटोशॉप पर ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप में ओपन होने के बाद यहाँ पर हमारी फ़ोटो ओपन हो गई। इसके बाद हम क्रॉप टूल्स को क्लिक करेंगे और फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे जितनी फ़ोटो हमारी ज़रूरत है। क्रॉप पे लिया, यहाँ पे हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और इसको सेट कर लेंगे कितनी फ़ोटो आपको चाहिए। सेट करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे, फ़ोटो उतनी आपकी क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपका एक लेवल खुल के आएगा। राइट साइड में सबसे लास्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और मेन बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा और ओके कर लेंगे। इसके बाद कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो कर्व आपका आ जाएगा। इसमें आप पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके डार्क लाइट कर सकते हैं फ़ोटो को। फ़ोटो क्लियर हो जाएगी और फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे। इसके बाद एक इसमें आता है पैच टूल, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पैच टूल से कोई भी दाग धब्बे होंगे या क्लियर नहीं है तो उस एरिया को हम सेलेक्ट करके और दूसरे एरिया पे सेम कलर पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फ़ोटो के चारों तरफ बॉक्स बनाना है तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो फ़ोटो को हम कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट पे जा करके स्ट्रोक दे देंगे। यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए, ओके कर लीजिए। विड्थ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ोटो की साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आपकी चौड़ाई हो जाएगी। फिर फ़ोटो को आपको निकालने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे जिससे आपका न्यू पेज आएगा। न्यू पेज पे आप पेज सेट कर सकते हैं, A4 साइज़ भी ले सकते हैं और 4x6 का। हम यहाँ पे 4x6 की देखते हैं। पेज पे हमारे पास नया पेज आ गया। अब यहाँ से टूल पे जा करके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो ड्रैग करके इस नए पेज पर आप रख लेंगे। फ़ोटो हमारी आ गई। अब यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपका चारों तरफ फ़ोटो सिलेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर W पे क्लिक करके 3 सेंटीमीटर ले लेंगे और H पे क्लिक करके 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फिक्स साइज़ की फ़ोटो है। इसके बाद आपकी फ़ोटो सेट हो जाएगी। अब आप Ctrl+8 और एरो P से सेम फ़ोटो को राइट क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से दो फ़ोटो तीन फ़ोटो आपकी सेट हो गई। अब दाहिने साइड देखते हैं, लेवल पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। इस लेवल से तीन लेवल आप स्टार्टिंग सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद फिर से Ctrl+8 प्रेस करके एरो क्लिक प्रेस करेंगे तो आपका दूसरी फ़ोटो नीचे आ जाएगी। उसी तरीके से फिर दूसरी ले लेंगे। तो इस तरीके से 1x4x6 के पेज पे आप 9 फ़ोटो आसानी से निकाल सकते हैं और प्रिंटर सेटिंग प्रिंट करके आप देख सकते हैं। ये हो गया सिंपल फ़ोटो। अगर किसी फ़ोटो को हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है। ऑनलाइन आप जाइए, गूगल सर्च पर डालिए बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पर सबसे पहले साइट ले लीजिए remove.rg, वो BG। यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करिए। जिस फ़ोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है वो फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट का एक ऑप्शन है, एडिट पर हम क्लिक करेंगे। एडिट में क्लिक करने के बाद फ़ोटो पे हम कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारा दे रखा है। अगर कोई बैकग्राउंड नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई कलर देना है, तो आप फ़ोटो पे एक जगह पे आप कलर पे क्लिक करेंगे। कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ढेर सारे कलर्स भी आ जाएंगे। कलर में कोई भी अब यहाँ पे देख रखा है ढेर सारे कलर्स। जिस कलर पे आप क्लिक कर देंगे उसी कलर पे आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए और यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी ये फाइल जो डाउनलोड होगी वो PNG पे डाउनलोड होगी। तो इस फाइल को ओपन करने के बाद इस फोटो पर राइट क्लिक करिए, ओपन विथ, इसको आप प्रिंट पे कर लीजिए। प्रिंट में ओपन करने के बाद सेव एज करिए। डायरेक्ट आप F12 क्रिस्प की प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे सेव एज फॉर्मेट में JPG ले लीजिए। फाइल का नेम चेंज करके सेव कर लीजिए। जब फाइल सेव हो जाएगी अब इसको आप फोटोशॉप में वापस ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद फिर से वही प्रक्रिया आप दोहरा सकते हैं। 3, 6, 9 आसानी से आप फ़ोटो बना सकते हैं। सेलेक्ट करके फिर से देख लेते हैं। फ़ोटो आप ड्रैग करके न्यू पेज पे आप रख ही लेंगे। रखने के बाद Ctrl+T प्रेस करेंगे और यहाँ पे साइज़ आप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर सेट कर लेंगे। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो सेट हो जाएगी। और Ctrl+8 के साथ आपको माउस की लेफ्ट बटन को ड्रैग करना है जिससे आपको ये
सेटिंग आ जाएगी। इसके बाद लेबल्स पे आ जाएंगे, तीन लेबल्स आपके बन ही जाते हैं। फिर कंट्रोल आर्ट से उसी तरीके से माउस ड्रैग करके तीन तीन फोटो का सेट ले करके आप प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।